नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कमालगंज पुलिस ने निकाली विशाल तिरंगा यात्रा, बैंड बाजे के साथ लगाए गए भारत माता के जयकारे। बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी रहे मौजूद, पुलिस वालों की ऐसी देशभक्ति नहीं देखी होगी। तिरंगा रैली थाने से शुरू होकर मुख्य मार्ग से होते हुए रेलवे स्टेशन, नगर पंचायत, मेरठ फोर्ड होते हुए थाने में समापन हुए। रैली में क्षेत्राधिकारी अमृतपुर रविंद्रनाथ राय, थाना अध्यक्ष अमरपाल सिंह, एसआई जितेंद्र पटेल, हरेंद्र सिंह, विमल कुमार, विक्रम सिंह उमाकांत अवस्थी, कांस्टेबल पवन उपाध्याय, सचिन प्रिंस, युवराज सिंह आदि लोग मौजूद हैं। मामला थाना क्षेत्र कमालगंज का है। अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट। तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, इस संदर्भ में क्या कुछ कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे इस तिरंगा यात्रा से? इस वर्ष हम सभी भारतवासी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे, जिसे अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और पूरे कमालगंज वासियों को, जनपद फरुखाबाद के सभी नगर वासियों को यह संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि वो सभी लोग हर घर तिरंगा के रूप में अपने घरों पर अवश्य तिरंगा झंडा लगाएं। सभी पुलिसकर्मी उनके साथ तन मन धन से खड़े हैं, उनके सुरक्षा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। बस यही यात्रा का उद्देश्य है। ये रैली कहाँ से कहाँ तक निकाली गई थी? थाना कमालगंज से होते हुए, समस्त कस्बे से होते हुए वापस थाना कमालगंज परिसर में समाप्त हुआ। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नया भारत दर्पण समाचार।